कुमायूर डिजाइनपुर में माई नेम इज शिवानी मिश्रा। आज आपको बताएंगे बैकग्राउंड डिजाइन जो बहुत ही लेटेस्ट और न्यू और ट्रेंडिंग में, ये डिजाइन आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। अगर आपको मेरी ये वाली डिजाइन अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। उसके साथ अगर आपने चैनल पहली बार विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, तभी मेरी कोई न्यू डिजाइन की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकेगी। और मेरे इस वीडियो को आप तक जरूर वॉच कीजिए, तभी आपको डिजाइन अच्छे तरीके समझ में आएगी। चलिए हम आपको वीडियो की तरफ लेके चलते हैं। तो देख लीजिए मैंने ब्लाउज को कट कर दिया है। चलिए मैं आपको इसकी स्टिचिंग दिखाती हूँ। तो मैंने ब्लाउज की लेंथ रखी है 13.5 इंच है, देख लीजिए 3 इंच की चौड़ाई देते हुए हम गले की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से 3 इंच की चौड़ाई पे हम मार्क कर देंगे और नीचे के साइड भी 3 इंच की चौड़ाई पे हम मार्क कर लेते हैं। तो मैंने दोनों साइड से देखिए बराबर में मार्किंग कर दी है। मैं गले का लेंथ का साइज ले रही हूँ, तो मैं गले का लेंथ 10.5 इंच रख रही हूँ। तो यहाँ से मैं मार्क कर देती हूँ। अब जितने मैंने मार्क किए हैं सबको मैं एक स्ट्रेट लाइन करते हुए बराबर कर देती हूँ। तो देख लीजिए मैंने पूरा मार्किंग कर दी है। अब मैं डिज़ाइन की मार्क करें तो आपको वीडियो में बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा मैं कैसे मार्क की हूँ डिज़ाइन का। सेम इसी तरीके से मैं कट कर लेती हूँ। देखिए मैं आपको कटिंग करके गले की दिखा दी हूँ। अब मैं ब्लाउज का कपड़ा ले लेती हूँ और इसको बिल्कुल बराबर रख देंगे अस्तर के, और इसका भी गला हम कट कर देंगे। तो मैंने ब्लाउज के गले देखिए पूरा अच्छे तरीके से कटिंग कर दी है। अब चलिए मैं आपको स्टिच करके दिखाती हूँ। तो अच्छे तरीके से बिल्कुल बराबर करके पहले मैं गले को स्टिच कर देती हूँ। तो ब्लाउज के कपड़े और अस्तर कपड़े को देखिए मैं बराबर करते हुए स्टिच कर रही हूँ। ऐसे ही आपको भी करना है। तो देख लीजिए मैंने पूरे गले की स्टिचिंग कर ली है कम्प्लीटली। इस पर मैं कट्स पहले लगा लेती हूँ। तो मैंने कट्स लगा लिए, अब इसको मैं उलट कर सीधा कर देती हूँ। अब ये सीधा हो चुका है, इसे हम बिल्कुल अच्छे तरीके से बराबर करते हुए पूरे गले पे मैं सिलाई लगा लेती हूँ। तो ये देख लीजिए गले की सिलाई कम्प्लीटली हो चुकी है। अब मैं पूरे ब्लाउज की स्टिचिंग करूँगी। तो बिल्कुल बराबर करते हुए पूरे ब्लाउज की मैं स्टिचिंग कर लेते हैं। तो देखिए मेरा पूरा ब्लाउज स्टिच हो चुका है, मैं आपको दिखा देती हूँ। अब इसको मैं जो लेस में ली हूँ और इसके गले पे मैं लेस लगा रही हूँ। आपको वीडियो में दिख रहा होगा मैं कैसे लेस इसके साथ स्टिच करूँगी, वैसे आपको भी करना है। तो देख लीजिए एक लेयर में मैंने लेस स्टिच कर दी है, तो एक लेयर में हम और लेस स्टिच करेंगे, तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो मैंने देखिए दो लेयर में पूरे लेस को स्टिच किया है गले पे। इसी तरीके से आपको भी करना है। इसी तरीके से हम दूसरे साइड भी गले के कर लेंगे। तो मैंने दोनों साइड से बिल्कुल अच्छे तरीके से लेस स्टिचिंग कर ली है। अब यहाँ से हम डिज़ाइन को स्टिच करेंगे। तो पहले मैंने देखिए मार्क कर दिया है, अब मैं डिज़ाइन बना लेती हूँ। तो मैंने ये पट्टी ली, ये मैं पट्टी बहुत ही बड़ी ली है। तो इसकी जो चौड़ाई मैंने रखी है 3.7 इंच है, आप 4 इंच ले सकते हैं। तो इसको डबल फोल्ड करते हुए थोड़ी सी सिलाई लगाते हुए पूरा स्टिच कर देंगे। तो मैंने पूरा पट्टी को स्टिच कर दिया, अब इसको मैं उलट कर सीधा कर लेती हूँ। ये देख लीजिए मेरी पट्टी सीधी हो चुकी है। अब मैं आपको इसका डिज़ाइन बना के दिखाती हूँ कैसे इसका डिज़ाइन बनाया जाएगा। आप वीडियो में देखते रहिए, आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से ये समझ में आ जाएगा। इसका डिज़ाइन बनाना बहुत ही ईजी है।
अगर आप वीडियो को बिल्कुल अच्छे तरीके से देखेंगे तो आपको ये बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही ईजी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो देख लीजिए, मैं आपको पूरा डिज़ाइन में कुछ बना के अच्छे तरीके से दिखा देती हूँ, जिससे आपको ये समझ में आए। तो देखिए, मैंने इतना सारा डिज़ाइन आपको बना के दिखाया हुआ है। इसी तरीके से हम पूरा बना लेंगे, जैसे मैं दिखा रही हूँ वीडियो में, ऐसे मैं पूरे डिज़ाइन बनाऊंगी जितने मैंने पट्टी बनाई हुई है। तो मैंने आपको इतना सारा ये पट्टी बना के दिखा दिया है, तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि मैंने कैसे ये डिज़ाइन बनाई है। इसी तरीके से आप बना लीजिएगा, जैसे मैंने अभी आपको ये पट्टी बना के दिखाई है। अब चलिए मैं ब्लाउज ले लेती हूँ, और मैंने जहाँ से मार्क किया था वहाँ से रखते हुए इस डिज़ाइन को हम पूरा स्टिच कर देंगे। तो मैंने देखिए डिज़ाइन को रख दिया है। अब मैं 20 से सिलाई लगाती हूँ, पूरे डिज़ाइन को स्टिच कर लेती हूँ। तो देखिए, मैंने पूरा डिज़ाइन स्टिच कर दिया है। अब मैं इस पे जो है बीच में बिल्कुल लेस लगा के स्टिच करूँगी, तो आपको वीडियो में दिख रहा होगा मैं कैसे लेस स्टिच कर रही हूँ। ऐसे आप भी लेस लगा के पूरा स्टिच कर लीजिएगा। तो देख लीजिए, मैंने पूरा लेस लगा के स्टिच कर दिया है। अब जो इसमें एक्स्ट्रा डिज़ाइन है मैं आपको वो दिखाती हूँ, तो इसे देख लीजिए ये कितने अच्छे तरीके से कम्प्लीटली बन चुका है। अब बीच से मिड साइड से हम कुछ डिज़ाइन करेंगे। तो मैंने ये डोरी ली है, ये मार्केट में आपको मिल जाएगी। इसकी लेंथ मैंने 10.5 इंच रखी है। अब दोनों साइड से हम फ्लावर इसके बनाएंगे नॉर्मली वाला। तो देख लीजिए मैं कैसे नॉर्मल फ्लावर बना रही हूँ, ऐसे आपको भी बनाना है डोरी के दोनों साइड से। तो देख लीजिए, एक साइड से मैंने फ्लावर बना लिया है। इसको मैं उलटकर सीधा कर देती हूँ। इसी तरीके से जैसे मैंने इस साइड बनाया, इसी तरीके से दूसरे साइड भी बना लेंगे। तो मैंने कम्प्लीटली दोनों साइड से बना लिया है। मैं ब्लाउज को ले लेती हूँ, और इसके मिड साइड में हम मार्क कर देंगे बिल्कुल बीचों बीच से। यहाँ से देखिए मैंने मार्किंग कर ली है, अब यहाँ से मैं मार्क कर देती हूँ। अब यहीं पे मैं जो अभी डोरी वाला डिज़ाइन बनाई हूँ, इसको मैं स्टिच करूँगी। तो देख लीजिए जिस तरीके से मैंने अभी ऊपर के साइड डबल करके फ्लावर बनाए हैं, ऐसे आप भी बना लीजिएगा। फिर इसके बाद यहाँ से हम रखते हुए नीडल्स की सहायता से स्टिच कर लेते हैं। तो मैं नीडल्स की सहायता से देखिए स्टिच कर लेती हूँ इसको। अब यहाँ पे मैं जो है डिज़ाइनर बटन लगा लेती हूँ एक। तो ये देख लीजिए मैंने डिज़ाइनर बटन लगा लिया है। तो मेरी ब्लाउज डिज़ाइन देखिए कितनी अच्छी दिख रही है। ये ब्लाउज डिज़ाइन मेरी बिल्कुल कंप्लीट है। अगर आपको मेरी ये डिज़ाइन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ही मेहनत करके डिज़ाइन बनाती हूँ। और अगर आपने चैनल पहली बार विजिट किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, तभी मेरी कोई न्यू डिज़ाइन की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकेगी। और मेरी कोई डिज़ाइन ड्रेस या ब्लाउज अगर आप परचेज करना चाहते हैं, मेरे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लीजिए। और मैं ऑनलाइन सेलिंग करती हूँ, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ जाके मेरी आईडी पे जा सकते हैं और कोई भी डिज़ाइन ड्रेस या ब्लाउज को परचेज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय फ्रेंड।